बताओ महाराज, मीरा के पास सांप भेजा था राणा ने, और वो गले का हार समझ के पहन ली। हमारी मैया को देखो, निकाल दो निकाल दो, कोई हो तो सपेरा। अरे शिवरात्रि इतनी तगड़ी हुई कि भगवान तुम पर बड़े प्रसन्न हो गए, आज तुम्हारे गले में लपेट के तुम्हारे घर में जाएंगे, चिंता मत करो। आप लोग जब बैठ जाओगे और कहोगे कि अब हम लोग ठीक हैं और जय जय श्री राधे कहोगे, तब आगे की कथा शुरू करेंगे। नहीं, अभी तो आधे मन से कह रहे हो, जय जय श्री सांप कह रहे हो। तुम्हारे बोलने से क्या होगा, सांप तुम्हारी तरफ निकला, जिसकी तरफ निकला है वो बोले, पर आओ निकल रहे हो यहां पे बोल रहे हैं ये राधे, तुम बोलो भाई जहां निकला है। चलो तुम्हारा मूड है, अब सुनाई देते हैं भैया, थोड़ा सा और ठीक करने का प्रयास करो, अगर हो जाए तो, नहीं तो बिगाड़ मत दियो, और नहीं तो आज अंतिम दिन महाराज हमारी तुम्हारी दोनों की गत हो जाएगी। तो परिवार कोई, जो तुम सदा कहते हो कि परिवार के कारण मैं व्यस्त हूं, गुरुजी हम कोई बाबा जी थोड़े ही हैं, गृहस्थी लोग हैं, थोड़ा परेशान रहना तो बनता है भाई, ये पाठ तुमको किसने पढ़ाया है, कहां से पढ़े हो? क्योंकि हम भी बड़े शास्त्र इत्यादि पढ़ते रहते हैं, वो हमको नहीं मिलता। वेद वेदांत शास्त्र सार सिद्धांत ढूंढते ही रहते हो तो दिन रात, यही हमारा काम है और क्या है। हम थोड़ी वोटर लिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कहां कितने वोटर हैं, हमारे वोटर तो वही वेद में बैठे। बल्कि श्री कृष्ण तो उद्धव से ये कह रहे हैं कि उद्धव, आश्रम धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म गृहस्थ धर्म है, भगवान कह रहे हैं। और तुम जब भी किसी साधु किसी गुरु के पास जाते हो तो अपनी मजबूरी बताते हो, क्या करें महाराज जी गृहस्थी हैं। पर अब भगवान सही बोल रहे हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता, बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि ये सबसे मस्ती वाला आश्रम है, बाबाओं के आश्रम से भी ज्यादा आनंद कहीं है तो गृहस्थ आश्रम में। हाँ, और गृहस्थ के बारे में एक और सुन लो, आश्रम मतलब जहां बाबा लोग रहते हैं, सिर्फ उसी को नहीं कहते, तुम्हारा घर भी आश्रम है, गृहस्थाश्रम, समझ गए? इसलिए आश्रम को केवल टारगेट मत करना, तुम्हारे भी घर में आग लग जाएगी। हमारे सनातन शास्त्र में ये आश्रम ही हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं, घर द्वार नहीं कहते। ये कादर खान का पिक्चर नहीं है कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, ये सनातन संस्कृति का है, गृहस्थ आश्रम। वह आश्रम जहां सृष्टि के नियम के अनुकूल मनुष्य अपने जीवन में मानव जीवन के चरम परम लक्ष्य दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम या कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परसमयी नारायणायति समर्पयेत्। इस सिद्धांत का पालन करता, गृहस्थ में केवल धान का भूसा नहीं निकालना घर में बैठ करके, भूसा यहां से निकाला वहां रखा, जूता वहां से उठाया वहां रखा,
दीपावली में थोड़ा रंग पुचाड़ा करवा दिया, सिटकनी टूट गई तो सिटकनी लगवा दिया, पुराने टाइल्स हो गए तो नया मकराना लगवा दिया, स्कूटी हटा करके बढ़िया कार ले आए, केवल इसको गृहस्थोड़ी कहते। ये व्यवस्थाएं हैं, करते रहो। ये तो आश्रमों को भी करना पड़ता है जहां बाबा लोग हैं जिनको विरक्त कहते हो। तब फिर निकला, आज ले जाएगा एक दो को लग रहा है, मानेगा नहीं भाई। आयोजक तुमसे न पकड़ाए तो कहा हम पकड़ के मुंह उठा उसको उठा ले महाराज, बोलो हमको कला है उसको पकड़ने की, कैसे भी सांप को हम इसे पकड़ ले तुरंत, इतना डर लग रहा है तुम। कोई हो पकड़ने वाला तो पकड़ के ले जाओ कहीं, अपने दुश्मन के घर के आसपास छोड़ दो। चलो आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम भी ऐसे ही मौज लें बीच बीच में। अच्छा मजे की बात देखो, वो उससे डरते भी और भीड़ भी वहीं लगाए हुए हैं, तो तू किनारे हट जा, जो दो चार लोग हैं पकड़ लेंगे, क्या हुआ क्या हुआ, लपक जाएगा गर्दन में सब, क्या हुआ निकल जाएगा। इसमें बोलना है, अच्छा हटाइए, लेकिन ये इसको भी थोड़ा ठीक करिए।